कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मंदिर और हनुमान जी का चित्र बनाकर केक काटने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता की रही है, इनका चरित्र ही यही रहा है। कांग्रेस ने धर्म को अपने वोटों के अनुसार उपयोग किया है। कांग्रेस पूरी तरह हिंदू होने का दिखावा कर रही है। यूं तो कमलनाथ को हनुमान जी का भक्त माना जाता है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर मंदिर और हनुमान जी के चित्र का केक काटने को लेकर वे विवादों में आ गए हैं। कमलनाथ लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता की रही है। कमलनाथ और कांग्रेस जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। एक तरफ हनुमान जी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ फोटो लगाकर केक काटते हैं। कांग्रेस पूरी तरह हिंदू होने का दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। एक धर्म को टारगेट करने के लिए धर्म के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस जवाब दे कि बार बार उनकी तरफ से ऐसी चीजें सामने क्यों आती हैं, क्या ये कांग्रेस के चरित्र में है। ये जो लोग हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस का, कांग्रेस की लीडरशिप का, चाहे देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग, धर्म विरोधी मानसिकता के लोग। क्या कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देता कि जिन्होंने मंदिर बना करके हनुमान जी की मूर्ति लगा करके उसको आप काट रहे हैं? आप एक धर्म पर, आस्था के केंद्र पर, आस्था के बिंदु पर आक्रमण किया है आपने, और इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए मैं कहना नहीं चाहता पुरानी चीजों के इतिहास में कि इनके चरित्र क्या है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये जो झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग धर्म के नाम पर भी केवल स्वार्थ के लिए हनुमान जी की एक ओर आप पूजा करने का प्रयास करते हैं दिखावा करने के लिए, और दूसरी ओर अपने जन्मदिन पर केक के रूप में हनुमान जी को काटते हैं। ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको इसका जवाब दे, कांग्रेस क्या कहेगी इसके अंदर? कांग्रेस जवाब दे रहे इस बात का, क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? कांग्रेस यही करती आई है? तो इसलिए कांग्रेस को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस बात का जवाब देना चाहिए कि हनुमान जी के बने हुए चित्र और मंदिर को केक के रूप में बनाया जाता है और उसको काटा जाता है। आपका हिंदू धर्म पर आक्रमण है। आप झूठ बोल करके इस प्रकार के नौटंकी और ये सब करके आप दिखावा करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब कमलनाथ जी आपको जरूर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।